मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। आपको बता दें कि आज एक बस की ओपनिंग की गई है। दरअसल जो हॉस्पिटल है ठाणे महानगर पालिका का एमएम अली रोड पर, और यहां से इस बस की ओपनिंग की गई है। कितने नंबर का ये बस है और कहां से कहां तक चलाया जाएगा, इसके बारे में शमीम खान से जानकारी लेंगे, जो परिवहन समिति के सदस्य भी हैं। शमीम भाई, आप क्या बताएंगे, जो आज बस की ओपनिंग की गई है यहाँ से, ये कितने नंबर की बस है और कहाँ से कहाँ तक चलाई जाएगी ये बस? इस्लामुद्दीन भाई, ये जो बस है ये बस नंबर 76 है और ये इलेक्ट्रिक बसेस है और फुल्ली एसी है। हमारी मांग थी कि हमारे व्यवस्थापक साहब से, चेयरमैन साहब से, कि हमारे जो मित्तल रोड का जो नया रोड बना है, इस रोड से मेरे यौम पैदाइश के दिन ये बस को वहाँ से स्टार्ट किया जाए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुबारकबाद पेश करता हूँ इसके लिए कि आज ये बस आपके सामने खड़ी है और ये बस है सिलफाटा से निकलेगी और मुमरा रेलवे स्टेशन होते हुए ये बस से पहुँचेगी वाया मित्तल रोड। मित्तल रोड मतलब जहाँ हम खड़े हैं इस वक्त है मौलाना हकीम अजमल हॉस्पिटल, आगे स्टेडियम, आगे वो कौसा का स्कूल, सुकून हाइट, एमएमओएली, शिमला पार्क, अपना लॉ कौसा होते हुए सिलफाटा निकल जाएगी। रिटर्न में भी उसका वही रूट होगा। इसका टोटल किराया 18 रुपये का है एसी बसेस का, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सुविधा है इसकी। मैं आवाम से कहना चाहता हूँ कि जिनको सफ़र करना हो सिटी का, वो इस बस से सफ़र करें। आपको ऐसा महसूस होगा कि आप मुमरा में नहीं बल्कि एक आप ऐसी इलाके में घूम रहे हैं जो कि मुमरा का एक हार्ट है, जो एक दिल है, आप वहाँ पे इस वक्त सफ़र कर रहे हैं, ऐसा आपकी फीलिंग होगी। इसलिए लोगों को यहाँ निकलना चाहिए। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह एक से एक कंस्ट्रक्शन रोड, इतना अच्छा हॉस्पिटल, इतना अच्छा स्टेडियम, इतने अच्छे अच्छे कंस्ट्रक्शन लोगों ने बनाया है, तो मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, साथ साथ में मेरे नेता डॉक्टर जितेंद्र दवार साहब को, कि आज उनके प्रयासों से शहर का डेवलपमेंट काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर चल रहा है। हर साल आप जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाते थे, केक वगैरह काटते थे, आतिशबाजी होती थी, अब की बार सिर्फ बस की ओपनिंग करके मना रहे हैं जन्मदिन। इस्लामुद्दीन भाई, आतिशबाजी और केक तो माफ़ कीजिएगा, कभी हमने नहीं काटा और कभी हम इस पर यकीन भी नहीं रखते हैं, लेकिन एक बात पर ज़रूर यकीन रखते हैं कि अगर हमारे जन्मदिन के मौके पर हमारे तमाम दोस्त साथी पार्टी के लोग मिल करके, हमारा परिवार मिल करके, अगर गरीबों मुस्तहिक तक कुछ सामान जैसे अनाज, ब्लैंकेट्स, बहुत सारे, कल मैंने देखा कि डॉक्टर साहब और बहुत सारे लोगों ने मिल करके आज कंबल भी बांटे, वही कंबल बांटे, बस का तोहफा, ऐसे बहुत सारे तोहफे, बहुत सारे तोहफे अल्हम्दुलिल्लाह लोगों तक पहुँच रहे हैं। यही सबसे बड़ा जन्मदिन है। केक काट देना, मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं यूथ के जनरेशन से कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आप ये केक काटना बंद कर दो, आप होर्डिंग लगाना बंद कर दो, आप आतिशबाजी करना बंद कर दो, क्योंकि ये खर्चा नाजायज़ है। अगर आप यही खर्चा इन गरीबों के लिए करते हैं, जो भी हमारे दोस्तों ने किया, तमाम लोगों ने मिल करके, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे काम हो जो गरीबों और मुस्तहिक तक इसका फ़ायदा पहुँचे। आगे पब्लिक ब्लैंकेट, आपने सुना कि किस तरह से आज इस बस की जो है ओपनिंग की गई है, और ये 76 नंबर जो है बस है, और यहाँ से ये बस सिलफाटा से मुमरा स्टेशन तक चलाई जाएगी, जो शिमला पार्क से जो है एमएम अली हॉस्पिटल टीएमसी का, ये होते हुए स्टेशन तक जाएगी। और इसके अलावा ये कार्डियक एम्बुलेंस भी है। इसमें देखेंगे आप, कंबल जो है बांटा जा रहा है। आज शमीम खान का जन्मदिन है और इस जन्मदिन के मौके पर जो है यहाँ से कंबल बांटा जा रहा है, अंदर भी कंबल दिया जा रहा है लोगों को, और यहाँ भी देखेंगे लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है, यहाँ जो है कंबल जो है वितरित किया जा रहा है, क्योंकि शमीम खान का जन्मदिन था और इस जन्मदिन के मौके पर उन्होंने एक TMT बस जो है ओपनिंग की, और उसके अलावा जो लोग देखेंगे, इन सभी गरीब लोगों को कंबल बांटा जा रहा है।